नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। एक बार फिर से केंद्र पर बीजेपी की सरकार काबिज है। एक बार फिर से देश में प्रधानमंत्री के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी ही काम कर रहे हैं, लेकिन जब से इस बार लोकसभा चुनाव बीते हैं तब से लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी को वैसी जीत नहीं मिली जैसा कि उसने सोचा, और इसकी वजह शायद ये रही कि पीएम नरेंद्र मोदी शायद उतना लोकप्रिय नहीं रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो ये साबित करते हैं कि कहीं से भी पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम नहीं हुई है, और उसका सबूत हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर बन गए हैं। पीएम के फॉलोवर्स का आंकड़ा 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ के पार पहुंच गया है। पिछले 3 साल में मोदी को 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने फॉलो किया है। नरेंद्र मोदी ने 2009 में एक्स यानी कि जब वो ट्विटर था तब इस पर ज्वाइन किया था। वहीं ट्विटर पर भी पीएम मोदी की लोकप्रियता कहीं से कम नहीं हुई है। मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भी पीएम मोदी की लोकप्रियता बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। वहां उनके फॉलोवर्स 91 मिलियन से ज्यादा है। यहाँ पीएम मोदी किसी को भी फॉलो नहीं करते हैं। वहीं इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप यानी कि व्हाट्सएप पर प्रधानमंत्री के चैनल को तकरीबन 13 मिलियन से ज्यादा लोगों ने फॉलो किया है। चलिए ऐसे में आपको बताते हैं कि पीएम मोदी किन ग्लोबल लीडर्स पर्सनालिटीज से एक्स पर आगे निकल गए हैं। नरेंद्र मोदी को एक्स पर 100 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। वहीं बात अगर करें जो बाइडन की तो उनको 38 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। पोप फ्रांसिस को 8 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। वहीं शेख मोहम्मद को 11 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। यानी कि पूरी दुनिया में पीएम नरेंद्र मोदी का डंका खूब बज रहा है। इसका सबूत पीएम मोदी की रूस यात्रा भी है। रूस ने 9 जुलाई को मॉस्को में पीएम नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान नवाजा था। राष्ट्रपति पुतिन ने खुद उन्हें सम्मानित किया था। ये सम्मान सबसे बेहतर काम करने वाले नागरिक या फिर सेना से जुड़े लोगों को ही रूस में दिया जाता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर्स की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में भी टॉपर बने हुए हैं। उन्हें लगातार 3री बार 76% से ज्यादा अप्रूवल रेटिंग मिली है। इससे पहले सितंबर और अप्रैल में जारी आंकड़ों में पीएम नरेंद्र मोदी को 46% से ज्यादा रेटिंग मिली थी। वही बात अगर करें देश के लीडर्स की तो पीएम नरेंद्र मोदी बाकी नेताओं से इतने आगे हैं कि उनको शायद अभी कोई छू भी नहीं पाएगा। जैसे एक्स पर पीएम नरेंद्र मोदी को 100 मिलियन फॉलोवर्स मिले हुए हैं। वही अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उनके पास फॉलोवर्स केवल 27 मिलियन से ज्यादा है। राहुल गांधी की बात करें तो उन्हें 26 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। अखिलेश यादव को 19 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। ममता बनर्जी को 7 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। वही बात लालू प्रसाद यादव की करें तो उन्हें 2 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। और वही बात अगर शरद पवार की भी कर ले तो महाराष्ट्र की राजनीति में अपना नाम कमाने वाले शरद पवार को एक्स पर 2 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। देखा जाए तो यह आंकड़े साबित कर रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कहीं से भी कम नहीं हुई है। विपक्ष के लिए ये एक बड़ा सबूत है जो साबित कर रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो सोच रहा है और जो जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि अब पीएम मोदी में वो बात नहीं रही, तो ये विपक्ष के लिए तगड़ा झटके के रूप में हो सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से ग्लोबल लिस्ट में सबसे ऊपर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ बने रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।